नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं भक्त पूर्णमल की तपोभूमि काशन गांव मानेश्वर, जो दिल्ली से जयपुर जाने वाले रोड पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक शहर है गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गावा था। तो साथियों, एक बार की बात है, जब भक्त पूर्णमल अपनी तपस्या के लिए काशी के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में वो इस स्थान पर आकर रुक गए। प्राचीन काल में साथियों, इस काशन गांव का नाम काशी था। जब भक्त पूर्णमल ने यहाँ के लोगों से इस स्थान का नाम पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि जी हाँ, यही काशी है। और यहाँ की सुंदरता और शांति से प्रसन्न होकर भक्त पूर्णमल यहीं पर रुक गए और तपस्या करने लगे। तो साथियों, 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद पूर्णमल ने अपने नेत्र खोले और भक्त पूर्णमल से बाबा चौरंगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, बाबा पूर्णमल या भक्त पूर्णमल को ही यहाँ पर बाबा चौरंगी नाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। तो साथियों, उसके बाद यहाँ पर उनका एक मंदिर बना हुआ है, जो बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर है। तो साथियों, यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, और जहाँ पर साथियों, यहाँ पर सावन भादों के महीने में बहुत ही विशाल मेला लगता है, और देश के दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और मेला का आनंद लेने के लिए। तो साथियों, ये जो आप प्रतिमा देख रहे हो, यही तपस्वी भक्त पूर्णमल अर्थात बाबा चौरंगी नाथ की प्रतिमा है, जहाँ पर आकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये एक आधुनिक वाद्य यंत्र है, जो बिजली से चलता है। बटन दबाने पर ये वाइब्रेट घंटे की आवाज़ आती है। और यहाँ पर ये महात्मा बुद्ध की भी एक मूर्ति रखी हुई है। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाया हुआ भित्ति चित्रण है साथियों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया करके कमेंट में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।